अगला सवाल यहां पे वेस्टेज और एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड है, तो सीधा सवाल ही कर लेते हैं। और सवाल से बेटर है पहले हम कॉन्सेप्ट कर ले हैं। हमारे लॉसेस की बात की जाए, सर लॉसेस की बात करेंगे ना आप, तो लॉस कितने होंगे? सर लॉस दो तरीके के होंगे यहां पे। सर कौन कौन से दो तरीके के लॉस? एक होगा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। एक होगा एबनॉर्मल लॉस। सर एक होगा एबनॉर्मल लॉस, एक होगा नॉर्मल लॉस और एक होगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। दो प्रकार के लॉस हैं। नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं सर? जो कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। सर इसका जो बेचने का सोल्ड होगा ना स्क्रैप, क्वेश्चन में गीवन होगा। अगर गीवन है तो ओके, अगर नहीं गीवन तो मान लेना है जीरो। नोट, इफ रेट ऑफ स्क्रैप नॉट गीवन देन वी कंसीडर एज जीरो। हम उसे मान लेंगे 0 रुपए का बिक गया होगा। अब मुद्दे की बात सर, नॉर्मल लॉस होता क्या है ये तो बताया नहीं आपने। अब देखना, मैं बिजनेस करता हूं अगर तो हर बिजनेस के अंदर एक सर्टेन यूनिट, सर्टेन क्वांटिटी ऐसा होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है। आपके घर का एग्जांपल ले लेते हैं, रोटी बनाते हैं घर पे। अगर 10 रोटी बनाई है, कहीं ना कहीं एक रोटी बच जाती है आपकी, और ऐसा भी हो सकता है किसी दिन कम पड़ जाए। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप कभी भी ऐसा खाना नहीं बनाते घर पे जिससे कि आपका एक रोटी कम पड़ जाए। आप एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, और जो एक्स्ट्रा रोटी होता है या तो आपने उसको कंज्यूम करना है या तो आप उसे क्या करते हो, गाय वगैरह को दे देते हो। तो वो जो एक रोटी रेगुलर बेसिस पे होता है वो नॉर्मल लॉस है। कोई भी दुकानदार का हर एक सर्टेन नॉर्मल लॉस फिक्स होता है। अब मान लेते हैं कि हम अगर सपोज करो अंडे की बात कर लेते हैं, एग की बात कर लेते हैं। तो अगर अंडे की हम बात करें, तो अगर मैं अंडे को दूर से ला रहा हूं, एक ट्रे एग का लेके आ रहा हूं, तो मुझे पता है कि हर बार लाने में, हिलने डुलने में एक अंडा टूट ही जाएगा। और ये एक बार की कहानी नहीं है, ये हर रोज की कहानी है। तो वो क्या माना जाएगा? हमारा नॉर्मल लॉस। और जो नॉर्मल लॉस होता है स्क्रैप में बिक जाएगा। अब टूटा हुआ अंडा भी बिक जाता है कई बार, किसी को जरूरत होगा, किसी को ऑमलेट बनाना हो, 5 रुपए का अंडा है, मैंने बोला 4 रुपए में ले जा भाई, तेरे को टूटा, तेरे को काम तो वही है, तो ले जाएगा वो, तो स्क्रैप में बिक गया। तो नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि रूटीन और रेगुलर बेसिस पे होता है और उसको हम स्क्रैप में बेच देते हैं जाके। और ऐसा भी हो सकता है कि ना बिके दूध। अब दूध के अंदर जो मिल्क लेके आता है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ ना कि दो तरीके के, एक तो मदर डेयरी से दूध लेते हैं और एक गाय वाला भी दूध बेचने के लिए आते हैं। मदर डेयरी वाले का भी वेस्टेज होता है लेकिन उसको आपको दिखेगा नहीं। अब गाय वाला जो दूध लेके आता है बेचने के लिए, गाय का दूध या भैंस का दूध, घर पे जो डोर टू डोर सप्लाई करने आता है, उनका वेस्टेज होता है क्योंकि वो किसी ना किसी व्हीकल्स पे आ रहे हैं, तो जब हिलेगा तो थोड़ा थोड़ा तो गिरेगा ही, कितना भी ढक्कन टाइट कर ले, या फिर क्या करता है कहीं एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। तो वो लॉस उसको पता है कि अगर मैं घर से 20 किलो लेके निकलूंगा तो ये 20 किलो नहीं, 19.5 किलो ही बेच पाऊंगा मैं, क्योंकि आधा किलो दूध इधर उधर में चला जाएगा। तो उसे कौन सा लॉस बोलेंगे सर? नॉर्मल लॉस बोलेंगे, हमेशा याद रखना। और एक चीज और याद रखना, नॉर्मल लॉस से हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। हमारे इस सवाल में इतना इंपैक्टेड नहीं है, पहले चैप्टर हुआ करता था सेमेस्टर 1 कंजाइनमेंट के नाम से, अगर आप पढ़ते होगे तो वहां पे ये चीजें और डिटेल में आता था हमारा, ठीक है? तो
यहां पे क्या है, नॉर्मल लॉस वो है जो कि स्क्रैप में भी चला जाएगा, बड़ी सीधी सी कहानी है। एबनॉर्मल लॉस कौन सा है सर? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि सर्टेन कभी कभी होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। मैंने घर का एग्जाम्पल लिया, अब घर का मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, रोटी बना रहे हो, अब क्या कर रहे हो, रोटी बना रहे हो और उस आटे में क्या करा, गलती से आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, अब कौन खाएगा भाई उसको, कोई तो नहीं खाएगा, तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा आटा खराब, तो वो कौन सा हो गया, एबनॉर्मल लॉस। अंडे वाली बात करें, अंडा लेके आ रहा था, 10 अंडा टूट गया एक दिन, अरे यार 10 अंडा कैसे टूट गया, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, वो कौन सा होगा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस हो, स्क्रैप तो बिकेगा, है कि नहीं, स्क्रैप बिकेगा ही नहीं बिकेगा, बिकना तय है। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना उसके ऊपर ना एक सिंपल सा एक बोलू तो, नॉर्मल लॉस कस्टमर बियर करता है, एबनॉर्मल लॉस दुकानदार अपने ऊपर बियर करता है। एबनॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान देना, आप समझना इस बात को, जो बच्चे समझ जाएंगे ठीक है, नहीं समझेंगे तब भी क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। अब एक मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया, समझ लो कुछ भी नहीं, कोई भी अकाउंट है रहने दो, मैंने मटेरियल खरीदा, 1000 किलो खरीदा, और 1000 किलो मैंने खरीदा कितने रुपए का, 1000 रुपए का, तो एक यूनिट का कॉस्ट क्या है बताओ, 1 रुपए। लेकिन यहां नॉर्मल लॉस हो गया मेरा 100 रुपए का, 100 रुपए का नॉर्मल लॉस, कितने का बिका, जीरो। अंडा कितने का बिका, जीरो का। अब बताओ फिनिश गुड्स का क्या होगा, सर फिनिश गुड्स भी 1000 ही आएगा, 1000 आएगा, ये यूनिट का यूनिट है, लो यूनिट लिख दिया मैंने, 1000 डाला था, ठीक है ये यूनिट। तो अब कॉस्टिंग तो फिनिश गुड्स का क्या आएगा, फिनिश गुड्स का सर कॉस्टिंग तो 1000 आएगा। इसको साफ साफ समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बड़े काम की चीज है, एग्जाम में नहीं आएगा आपके, अब फिर आंख नहीं बंद कर लेना आप, एग्जाम में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, सुन लेना कॉन्सेप्ट है, और ताकि मुझे आगे ना बार बार समझाने की कोशिश ना करना है, बार बार के आज ही बहुत कुछ करना है हमें, ये लो और आप सभी बता देना मुझे इस बात को। पहले हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल लॉस का, ठीक है, यूनिट मैंने डाला 1000 और रुपए का एक था तो यानी 1000, मैंने कहा नॉर्मल लॉस जी हो गए 100, तो अब मुझे बताना फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, 1000, 1000, 1000, 1000, 900 FG और 1000 यूनिट कॉस्ट। कोई आता है मेरे से, भाई सामान कितने का दोगे, मैंने बोला बताते हैं अभी 1000, और इससे मैं बना पाया हूं सिर्फ 900, 1.1, यानी 1.1 से नीचे अगर मैंने बेचा तो मेरा घाटा, मेरा नुकसान है, यानी आपका नॉर्मल लॉस हुआ वो किससे कवर कर रहे हो आप, कस्टमर से, तो नॉर्मल लॉस तुम्हारा, ग्राहक तुम ही दोगे इसको, हम नहीं बियर करेंगे। चलो मान लो अगर ये स्क्रैप 50 रुपए का बिक भी जाता तो उस सिचुएशन में क्या होता, यहां पे आ जाता हमारा 950 और पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाता, 1.0, यानी 950 डिवाइडेड बाय 900, 1.05 ये आ जाता है। यानी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी नॉर्मल लॉस होता है ना उससे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। अब एक बार एबनॉर्मल करते हैं, ये आपके पास अकाउंट है, एबनॉर्मल लॉस के अंदर अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप बताना, एक तो नॉर्मल लॉस था, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना, मैं अंडे लेके आया, मैं अंडे की ट्रे लेके आया, और ये ट्रे जो था मान लेते हैं 100 रुपए का लेके आया था मैं, और इसमें 100 अंडे थे, वैसे तो 30-35 होता है जहां तक मुझे पता है, 30 होता है या 36 जो भी होता है, मैं 100 अंडे लेके आया और 100 रुपए का लेके आया, इसमें से 10 अंडे टूट जाने हैं, 10 eggs जो है हमारे खराब हो जाएंगे इसमें से, तो मैं अब बेचने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं ग्राहक को 1 रुपए का एक अंडा बेचूंगा तो क्या मुझे फायदा होगा, मैं लॉस में चले जाऊंगा। अब मुझे वो बताना जहां पे ना फायदा और ना नुकसान हो, तो मैं क्या करूंगा, भाई देख मैं 100 रुपए की अंडे लाया हूं और 90 का है, और 90 के हिसाब से देखा जाए 100 रुपए का अंडा है और अंडा 90 का है, 1.1,
मैंने बोला भैया 1 रुपए 11 पैसे का, 1 रुपए 12 पैसे का तुम्हें पड़ेगा, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। आप बोलते हो यार 11 पैसे छोड़ दो, आप कभी नहीं छोड़ोगे। बोलेगा भाई 11 पैसा है तो छोड़ दूंगा तो मेरा लॉस है, मैं लॉस में क्यों, इससे अच्छा मैं अपने घर में नहीं ले जाऊंगा, मैं क्यों बेचू लॉस के अंदर। तो कभी भी दुकानदार इस पर तैयार नहीं होगा देने को। तो यानी आप अब बताओ कस्टमर क्या ये वाला पेमेंट करने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? कस्टमर देगा भाई 1 रुपए 11 पैसे? अब नहीं, कोई कस्टमर की वजह से नहीं, अब आप बेच रहे हो, मैं दुकानदार हूं समझो ना, मैं घर के बाहर आपके बेच रहा हूं, रेडी पे बेच रहा हूं मैं सामान। मैंने बोला भैया 1 रुपए 12 पैसे का अंडा है, आपने बोला मुझे पता है वहां पे होलसेल रेट के अंदर मिलता है 1 रुपए का, मैंने बोला जाके ले लो। तो अब मुझसे लोगे और वहां जाओगे लेने के लिए? मेरे से ही लोगे, वहां थोड़ी जाओगे एक अंडा लेने के लिए, 2 अंडा? कस्टमर हो भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं जहां रह रहा हूं आजादपुर में, क्यों नहीं लेने जाते आजादपुर में 1 किलो आलू? वहां पे 7 रुपए किलो मिल रहा है, यहां 10 रुपए किलो मिल रहा है, जाओ लेने, नहीं लोगे ना? तो उस हिसाब से यानी ये वाला 1 रुपए 12 पैसा कस्टमर देने को तैयार है। अगली कहानी ये हुई, फिर से मैं 100 अंडे लेके आया, 100 अंडे लेके आया और इसकी कीमत मुझे कितने पड़ी? 100 रुपए। इसमें से 99 अंडे खराब, अब बचा कितने? एक। कॉस्टिंग निकालते हैं, 100 रुपए डिवाइडेड बाय 1, 1 अंडे की कीमत 100 रुपए। मैंने बोला भैया देखो मेरे तो 100 रुपए लगे हैं और 1 अंडा 100 रुपए का बेच रहा हूं, क्या आप खरीदने को तैयार हो? कभी नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे पागल हो गया ये, नहीं खरीदना। यानी आप उस अंडे की कीमत उतना ही देने के लिए तैयार हो गए जितना के पूरे मार्केट में चल रहा है रेट। तो इसका मतलब सर ये तो कौन सा है, 99 अंडे टूट गए तो इसको कौन सा लॉस बोले? एबनॉर्मल लॉस। क्या एबनॉर्मल लॉस के लिए आप तैयार हुए कस्टमर, एक ग्राहक के तरीके से सोचो? नहीं, वो एबनॉर्मल लॉस मुझे ही बियर करना पड़ता है और नॉर्मल लॉस के लिए ग्राहक को पे करना पड़ता है। क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं इसका कोई भी रोल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग निकालू तो मैं कॉस्टिंग निकालूंगा कि भाई साहब क्या होगा, हमारा यूनिट 100 रुपए का थे, 100 अंडे, 99 अंडे टूट गए और उसकी जो कीमत है, स्क्रैप नहीं लिखना, 99 का जितने का मुझे पड़ा था वो नॉर्मल लॉस में क्या लिख देते थे? स्क्रैप का वैल्यू कितने का बिका है। एबनॉर्मल लॉस के अंदर क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस के अंदर होगा जितने का मुझे पड़ा था, अब बताओ कितना पड़ा? 100 रुपए, 100 रुपए, और FG कितने का आया? 1 रुपए, और 1 अंडे की कीमत 1 रुपए। तो अब देख रहे हो आप, यानी एबनॉर्मल लॉस का जो रेट होता है ना वो हमें कभी एग्जामिनर नहीं देगा, वो हमें पहले से निकालना पड़ेगा। यानी बड़ी सीधी सी बात है सर, अगर हम बात कर रहे थे इसकी तो क्या होगा, अगर मैं इसको 2 वर्ड के अंदर खत्म करूं इतना टाइम ना लेते हुए, तो नॉर्मल लॉस हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू देगा तो नॉर्मल लॉस निकाल लेंगे और ये प्रोसेस अकाउंट के बाई साइड में जाता है। अगर स्क्रैप वैल्यू का रेट नहीं देता तो हम अजम्पशन ले लेते हैं, नहीं बिका होगा। बड़ी सीधी सी और बहुत सिंपल सी बात है, कहानी खत्म। एबनॉर्मल लॉस के केस में कभी भी रेट हमें नहीं गिवन होता, हमें रेट निकालना पड़ता है। तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा? ये हमारा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, ये होता है हमारा इररेगुलर बेसिस। इररेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और इसका रेट फाइंड करना पड़ेगा, रेट फाइंड करना होगा सर आपको। और जो रेट फाइंड करोगे कैसे निकालोगे? रेट इज इक्वल टू, एक यूनिट का रेट, रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस में नॉर्मल लॉस जितने का बेचा है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, अभी जब सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा, माइनस में नॉर्मल लॉस का यूनिट। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा सर? वो आएगा हमारा रेट। और ये रेट कौन सा होता है? जो कॉस्ट मुझे पड़ा है। आप बोल सकते हो एबनॉर्मल का रेट आ गया, वो बोलने वाली बात है, एबनॉर्मल का रेट नहीं है, जितने का मुझे पड़ा है वो रेट आएगा। समझ में आई बात आपको? जितने का मुझे पड़ा है, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे कितने का बेचना चाहिए ये बताना, यूनिट है मेरे 1000 रुपीज पड़ा, 1000 नॉर्मल लॉस था 100, इसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया एज अ स्क्रैप 50,
एबनॉर्मल लॉस है मेरा 120, एबनॉर्मल लॉस है 120, क्या कर देते हैं 200, सही डिजिट रखते हैं 200। इसके बारे में नहीं बताया मैंने कि कितने का बिकेगा। मुझे बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे बताइए कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। या एक पल को मैं एबनॉर्मल लॉस को छुपा देता हूं, मैं एबनॉर्मल लॉस नहीं है, छुप गया। अब बताइए पर यूनिट कॉस्ट मैं कितने को बेचने को तैयार होऊंगा। सभी बच्चे जितने लाइव में हैं, दुकान पे आग लग गई तो प्रॉफिट अर्न करेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस नहीं, इसके अंदर इंश्योरेंस इंश्योरेंस का नहीं होगा। पहले मुझे इसका आंसर दे दो, आप इसका आंसर दे दो कि भैया एक मैं यूनिट एक अंडा कितने का बेचूं मैं, जिसमें मेरा प्रॉफिट लॉस ना हो। 1 पॉइंट, बच्चे कह रहे हैं, एक का जवाब आया 1.05, एक बच्चा कह रहा है 10.52, दिया ने कहा 10.52। बताइए, देखिए 1000 यूनिट है और 1000 रुपए का पड़ा, 100 यूनिट नॉर्मल लॉस और 50 रुपए का बिक गया, 50 रुपए का सारा, 100, एक यूनिट नहीं बिका 50 का टोटल, ये सारा का सारा 50 का। जवाब दीजिए कितना आ रहा है, दिया 1.05, 1.05। अभिषेक का कहना है सर 1 रुपए, भाई पॉइंट का भी वैल्यू है अभिषेक। पिंकी का 1.05, वन पॉइंट जीरो फाइव, सभी बच्चे का जवाब 1.05। अब इसको फॉर्मूले में पुट करूं मैं, आपने कैसे निकाला, आपने निकाला यही फॉर्मूला लगाया। देखो ये फॉर्मूला आपको पता था, लेकिन अगर मैं पूछ लेता ना ये किसका फॉर्मूला है तो नहीं बताते। देखो टोटल कॉस्ट 1000 माइनस में नॉर्मल लॉस सोल्ड, आपने यही करा 50, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 1000 माइनस में नॉर्मल लॉस यूनिट 100, यही तो करा आपने, और तभी तो निकाल पाए ये रेट आप। इसका मतलब ये जो रेट निकलेगा ये वो रेट निकलता है जितने का हमें बेचना है, लेकिन हमें एबनॉर्मल लॉस के लिए इसी तरीके से वो रेट हर बार फाइंड करना पड़ता है। तो ये जो रेट निकलेगा, तो कोई बच्चा ये ना बोले एबनॉर्मल रेट निकला है, ऐसा नहीं होता सर, ये वो रेट होता है जो पर यूनिट कॉस्ट मुझे पड़ा है, बस मैं ये बताना चाहता हूं। तो जो रेट मुझे पड़ा है उसी रेट से एबनॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब सपोज करो मैं बोलू एबनॉर्मल लॉस जी 200 यूनिट है, तो मेरा जवाब होगा भैया 200 यूनिट इंटू में 1.05, और कितने हो गए, ये कितने हो गए 200 इंटू 1.05, यानी 210 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है। इस बात का ध्यान रखना, 210 रुपए का क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस है। समझ में आई, इतना टेक्निकल नहीं भी जाऊं ना मैं तब भी आपके सवाल हो जाएंगे। तो जिन बच्चों को लग रहा है ना थोड़ा सा बहुत मुश्किल लग रहा है, तो दिमाग पे बिल्कुल जोर मत डालो, बड़ी सीधी सी बात थी और सीधी सी बात की है मैंने, ये दो चीजें होती है। इसके अलावा ना कई बार ना एबनॉर्मल गेन हो जाता है हमारा सर, कई बार मैंने लॉस लिख दिया, इसलिए इसको चलो इसको थोड़ा सा कर दें एबनॉर्मल लॉस, लॉस या फिर गेन कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो गया, कई बार गेन हो जाता है सर, ऐसा कैसे गेन होता है। एबनॉर्मल गेन, सर एबनॉर्मल गेन को ही हम एबनॉर्मल इफेक्टिव कहते हैं, इफेक्टिव, इसी को हम एबनॉर्मल इफेक्टिव भी कह देते हैं। सर ये कैसे हो सकता है एबनॉर्मल गेन, लॉस तो पता है हो जाता है कई बार। मान लेते हैं कि जो दूध वाले का एग्जाम्पल लिया, वो पानी तो मिलाता था, एक दिन ज्यादा मिला दिया उसने, जितना था मिलाना उससे कहीं ज्यादा मिला दिया दूध में पानी, तो जहां 100 लीटर बेचने की कोशिश कर रहा था 125 लीटर बेच दिया उस दिन उसने, तो ये क्या हो गया, उसका गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन ना कई बार हो जाता है। एबनॉर्मल गेन का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा, मैंने एग्जाम्पल लिया, हम एक टेंटेटिव लेते हैं कि इतना यूनिट बनेगा, एक नॉर्मल लॉस की हद होती है, लेकिन जब उससे ज्यादा यूनिट बन के निकल जाता है, मतलब उस साल लॉस हुआ ही नहीं, इस तरीके का कोई हैपनिंग होता है, तो उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन।
सर इसका भी एबनॉर्मल गेन का भी रेट आपको निकालना होगा, इसका भी रेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे एबनॉर्मल गेन का रेट सर, कैसे निकालेंगे? इसका रेट मैं स्टार बना देता हूं, जब मैं निकालूंगा ना क्वेश्चन में तो मैं बता पाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, वैसे नहीं। यानी सर यहाँ पे तीन तरीके की बातें जो है क्वेश्चन के बीच में आने वाला है जो कि मेन होगा, और इन तीनों को अकाउंट फॉर्म में भी हमें सीखना पड़ेगा। क्या तीन तरीके की बातें? नॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस का रेट गिवन होता है, एबनॉर्मल लॉस हमें निकालना पड़ता है और एबनॉर्मल गेन का भी निकालना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ एक सवाल करते हैं और उस सवाल के साथ साथ फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, तो पढ़ा ही नहीं मैंने। कहता है 1000 यूनिट रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, मतलब इनपुट डाला है जिसकी कीमत 4000 है। तो सर 1000 इनपुट डाला जिसकी कीमत कितनी है? 4000। इनपुट जिसकी कीमत 4000। कहता है 10% वेस्टेज अलाउ, ईच यूनिट वेस्टेज 2.5 रुपए का बिकेगा। 10% वेस्टेज, तो बाय नॉर्मल लॉस 10% का मतलब 100, और कहता है 2.5 रुपए के हिसाब से बिकेगा यानी 250। द एक्चुअल प्रोडक्शन 850। कहने का मतलब है सर 1000 यूनिट थे, 1000 में से मैंने सोचा कि 100 यूनिट खराब होंगे तो बिकन बनने कितने चाहिए, लेकिन सवाल कहता है हम 850 बनाने में कामयाब हो पाए। तो भैया जब नॉर्मल लॉस घटा ही दिया तो अब जो 50 का बन रहा है हिसाब किताब, इसे बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितने का है सर? 50 यूनिट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सोरा शॉर्ट फॉर्म ABL, कितने? 50। सर ये कितने का, इसका रेट निकालना पड़ेगा, अभी देखा था हमने। चलिए अब देख लेते हैं, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ठीक है। चलिए सर कहता है द एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस कहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहता है। चलिए सर डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? डायरेक्ट वेजेस 6500। एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मैटर नहीं करता, यही आएगा सर। चलिए सर कॉस्टिंग निकालते हैं, ये हो गया 1000 यूनिट, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? ये 10500, 13700, और ये होगा हमारा 1000, 13750, 750। और इसके बाद बाय जाएगा हमारा, कुछ नहीं बोला तो इसको एफ जी कर देते हैं, एफ जी फिनिश गुड्स कितने बनेंगे? 850। पहले हम ये वाला निकाल लें, तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या आएगा? रेट निकाल लेते हैं, हम रेट निकालते हैं। रेट क्या बनेगा सर? रेट क्या बनेगा? रेट बनने वाला है टोटल कॉस्ट, फॉर्मूले में टोटल कॉस्ट 13750 माइनस में नॉर्मल लॉस 250 डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट 1000 माइनस में कौन सा, एक बार चेक करो जरा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल मत माइनस कर देना, सिर्फ नॉर्मल लॉस, दैट इज 100। क्या रेट आया, क्या रेट आया? सीपीयू बच्चे ने बताया, एक स्टूडेंट ने बताया 15, सही बताया क्या? 15 रुपए सीपीयू। तो अब जो ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये 15 से होगा, और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 50 × 15, 50 × 15 750। और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या इसको भी मल्टीप्लाई 15 से कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 12750, दैट्स इट। क्या बोला गया था? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बनाना था और कुछ भी नहीं।
तो बना लिया हमने प्रोसेस अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्लियर? मैं एक और सवाल। अरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन तो होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया? था तो बहुत सारा क्वेश्चन। एक मिनट, ऐसा नहीं है, है क्वेश्चन, चिंता मत करो। पता नहीं यहाँ पे 2 दिन से क्या दिक्कत आ रही है। अभी लगाएंगे स्लाइड, चिंता नहीं करना। पहले यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को परेशानी?